गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन अनबॉक्सिंग एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो आज मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज किया था amazon.in से, और वो भी बच्चों के सेक्शन से, जो कि ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है। उसमें कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करने होते हैं और उसको सॉल्व करना होता है। तो ब्रेन में ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम होता है, जो कि ब्रेन को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर कोई क्वेरी, क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट डाउन बिलो। और ये सारी प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो सबसे पहले मेरे बेटे ने मंगवाया था ये 3x3 क्यूब। ये ऑनलाइन नहीं मंगवाया है, ये ऑफलाइन लिया था। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेट 100 रुपीज़ था, लेकिन ये इतना स्मूथली मूव नहीं करता था। इसलिए उसने सोचा कि इसमें एल्गोरिदम यूज़ करके वो अच्छे से इस क्यूब को सॉल्व करना सीख गया, तो उसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। तो ऐसे ही दूसरे पजल्स मंगवाने के लिए उसने मुझसे बोला, और मैंने बहुत सारे उसको परचेस करके दिए हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं दिखाती हूँ ऑनलाइन जो मैंने मंगवाए हैं। तो सबसे पहला है 3x3 मिरर क्यूब। मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम मिरर की इफ़ेक्ट देख सकते हैं, अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है 3x3 जैसा ही है, जैसे इसमें आप देख सकते हो हर एक में कलर है और शेप बिल्कुल सिमिलर है, मतलब शेप सेम रहता है। इसमें शेप जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे शेप चेंज होता जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे सेट करेंगे, इस पज़ल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है मिरर क्यूब, जो कि मेरे बेटे का हॉट फेवरेट है और वो इसको इजीली सॉल्व भी कर लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये एक है जिसे मास्टर मोर्फिक्स कहा जाता है। मैं प्राइस बता दूँ आपको, मिरर क्यूब जो था वो था 179 रुपीज़ का। तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन माइंड ट्विस्टिंग ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने उसके प्राइस के सामने नहीं देखा था। ये वाला मुझे पड़ा था 220 रुपीज़ में। ये देख सकते हो कि ट्रायंगल जैसा शेप है, लेकिन ये भी शेप चेंजर है। आप देख सकते हो जैसे इसको घुमाएंगे, थोड़ा घुमाना भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं जनरली इसको यूज़ नहीं करती, मैं सिंपल 3x3 ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए पिरामिड से उसने क्या शेप ले लिया, कुछ और ही शेप में वो आ जाता है, तो इसीलिए इसको शेप चेंजर बोला जाता है। ये 220 रुपीज़ का था और इसका नाम है मास्टर मोर्फिक्स, 220 रुपीज़। नेक्स्ट है मैजिक गियर। गियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गियर चेंज होते हैं उस तरीके का, इसमें कुछ एक इफ़ेक्ट आता है, ये देखिए। और इसका भी जो है वो शेप आपको चेंज होता दिखाई देगा, ये देखिए। ये थोड़ा सा अगर इसका आप एल्गोरिदम देखो तो कंपैरेटिवली इजी है, मैंने भी ट्राई किया हुआ है। इसका प्राइस जो है वो था 299 रुपीज़। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि जब ये चेंज होते हैं यहाँ से गियर, तब आपकी उंगली या आपके हाथ को आपको बचाना होगा, अगर वो बीच में आ जाएगा तो आपके हाथ में इंजरी हो सकती है। तो ये है मैजिक गियर, आप देख सकते हो कैसे घूमता है, जैसे गियर घूमते हैं हमारी गाड़ी में वैसे ही ये सेम एक्ट करता है, ये देखिए। तो ये था मैजिक गियर। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो है ये, महंगा भी सबसे ज़्यादा यही है मेरे बेटे के पूरे कलेक्शन में। ये आया था 419 रुपीज़ का, मतलब 419 का। ये है मेगा मिक्स। इसमें आप देख सकते हो कि 12 कलर के ऐसे स्टार जैसे शेप के है। बहुत डिफ़िकल्ट है इसको सॉल्व करना, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, मेरे लिए तो बहुत ही है। मैं सिर्फ ऊपर की लाइन इसमें सॉल्व करती हूँ, उसके आगे मैं नहीं बढ़ती हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। पर मेरा बेटा इसको सॉल्व कर लेता है एल्गोरिदम की हेल्प से। तो ये सबसे कॉस्टली है 419 रुपीज़ का। सॉरी मैं पैकेजिंग के बारे में बताना भूल गई, लेकिन अमेज़ॉन का पैकेजिंग बेसिकली ये वाली जो चीज़ें हैं वो इस तरह की पॉलीथीन में आते हैं। जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट होता है उसका थोड़ा सा डेटा ये लोग अंदर देते हैं, और प्लस इस टाइप के बॉक्स में वो लोग इसको भेजते हैं। तो सिंपली इसी में उन्होंने इस तरीके से रैप किया हुआ होता है, या तो फिर प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग होती है उसमें वो लोग रैप करके भेजते हैं। तो ये है ये वाली जो प्रोडक्ट है उनका पैकेजिंग। तो नेक्स्ट मैंने अभी लेटेस्ट में मंगवाया था ये 3 क्यूब का सेट। ये है 2x2, ये है 3x3। ये मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि ये वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है चलाने में, लेकिन ये थोड़ा स्मूथ है इसलिए मैंने इसको मंगवाया। और इस पर लिखा है पिरामिक्स, क्योंकि ये पिरामिड शेप का है।
ये देखिए, तो ये वाले में और ये वाले में अंतर यही है कि ये भी पिरामिड शेप जैसा ही है, ट्रायंगल जैसा, लेकिन ये शेप बदलता है, लेकिन ये शेप नहीं बदलता। आप इसको घुमाओगे, कैसे भी घुमाओगे, तो ये अल्टीमेटली तो पिरामिड का ही शेप ले लेगा। तो ये जो पूरा सेट था तीन का, वो मुझे पड़ा था 549 रुपीज़ में, जो कि लेटेस्ट है। ये पिरामिड्स है, ये 2x2 है और ये 3x3 है। तो ये एक पिरामिड क्यूब है, आप देख सकते हो। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि दो क्यूब ऐसे हैं जो पिरामिड शेप के हैं, लेकिन ये शेप चेंजर नहीं है। ये कैसे भी घुमाओगे, ये अपने शेप को बरकरार रखता है। तो मेरा बेटा जो है वो इसको आपको सॉल्व करके दिखाएगा कि ये क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है, पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो देखिए इसे ऐसे मूव करना होता है। आप देख सकते हो कि ऊपर की जो इसकी टॉप लेयर है उसको मूव करना है, प्लस नीचे से तीनों इसके शेप को साथ में मूव करना है, तब जाके ये जो क्यूब है वो सॉल्व हो सकता है। ये देखिए, तो हाँ, ये इसने क्यूब सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो ये सारे एक तरह के जो इसके क्यूब्स है वो एक तरफ आ जाने चाहिए, और ये ट्रायंगल क्यूब है, ये पिरामिड क्यूब है,